तो ये देख सकते हैं बहुत ही ऊंचा सारी मिल जाएगा। तो इस तरह का व्यू है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरे सर्कल का। एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इंडियन टू नेपाली करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। कम बैक माय चैनल इनके ब्लॉग में। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में जो है वीडियो जो है रिकॉर्ड करना हमने बंद कर दिया था, वीडियो अपलोड करना भी बंद कर दिया था। लेकिन अभी हमने नया जर्नी स्टार्ट किया है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा घूमेंगे। तो अभी आज सुबह हम लोग घर से निकल गए हैं। सुबह निकलने के बाद यहाँ से अभी रक्सौल रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे ये रक्सौल रेलवे स्टेशन है, जो आपको क्लियर दिखाई देता होगा। तो अभी हम रक्सौल रेलवे स्टेशन पे करीब सुबह 9 बजे उतरे हैं और यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकले हैं। बाहर निकल करके यहाँ से चलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या सवारी मिलता है। और यहाँ से सवारी लेकर के अभी सबसे पहले हम लोग बीरगंज घूमने जाएंगे, क्योंकि ये बीरगंज आपको नेपाल में पड़ता है, नेपाल का बॉर्डर है। बीरगंज में आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पे मार्केट वगैरह बहुत ही बढ़िया लगता है और घूमने फिरने वाली भी जगह है। तो वहाँ पे चलेंगे और बीरगंज पूरा घूमेंगे, देखेंगे कि बीरगंज में क्या देखने वाली चीज़ है। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है कवर करेंगे, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख करके एंजॉय कर सकें। तो अभी यही है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन का व्यू है, ये रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन पे हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं और इस रेलवे स्टेशन से ये बाहर निकलने का रास्ता है। जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे यहाँ पे सवारी मिलेगा, सवारी लेकर के केबिन के पास जाएंगे, वहाँ से फिर आपको बीरगंज के लिए सवारी अलग से लेना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ से जाना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, तो सामने ये देख सकते हैं ये है फूड प्लाजा। तो भूख तो लग गया है, सबसे पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद निकलेंगे बॉर्डर की तरफ। तो ये सामने फूड प्लाजा है, देखते हैं क्या यहाँ खाने को मिलता है। बहुत ही सुंदर जगह है, देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले खाने के लिए चलते हैं, क्या खाने में मिलता है पहले खाना खाते हैं। चला स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के बाहर और देखते हैं यहाँ से क्या सवारी मिलता है और कैसे जाना होता है। तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ पे ऑटो स्टैंड भी बहुत सारे हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ के लिए आपको सवारी चाहिए वो सवारी यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, नहीं भैया कहीं नहीं जाना। तो ये ऑटो लगा हुआ है और यहाँ से ऑटो आप ले सकते हैं और ऑटो से आप बाहर निकलेंगे और जब केबिन पे पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको बीरगंज के लिए सवारी मिल जाएगा। तो इस तरह का है, आप देख सकते हैं ये। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, ये है बाहर निकलने का रास्ता। अभी हम बाहर निकल करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ से फिर कैसे जाना होगा। तो दोस्तों अभी आ गए हैं रक्सौल स्टेशन के गेट पे और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, एक व्यू मैं आपको दिखा दूँ। ये है रेलवे स्टेशन और यहाँ पे पीछे मंदिर है और ये ऑटो स्टैंड मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ से अभी हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ये मेन रोड है, चलिए चलते हैं। और यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो आपको बाएं साइड में जाने का रास्ता मिलेगा। बाएं साइड के रास्ते से आप सीधा रक्सौल की तरफ निकलेंगे और वहाँ जाने के बाद वहाँ से आप सवारी ले सकते हैं बीरगंज के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में बहुत सारा होटल वगैरह है, अगर आप चाय पीने के लिए ठीक है चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ पे पी सकते हैं। तो अभी इस तरह का व्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम निकलते हैं और यहाँ से मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं ये है, यहाँ पे ये रास्ता जो है सीधा जाएगा रक्सौल सिटी। तो ये पूरा रोड करीब मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर होगा, जब ये आप आधा किलोमीटर चल लेंगे उसके बाद ये आपको रक्सौल सिटी आ जाएगा, वहाँ से आपको सवारी मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग के पास हम लोग आ गए हैं और मेरे पीछे ये देख सकते हैं कोलकाता बाज़ार और भी बहुत सारे मॉल यहाँ पे हैं, जैसे कि वी मेगा मार्ट वगैरह यहाँ पर है। तो अभी रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गए हैं और रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, उसके बाद यहाँ से सवारी मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी सवारी मिलती है। तो दोस्तों अभी रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए हम लोग रेडी हैं। सॉरी, बहुत कंजेस्टेड रास्ता है और यहाँ पे पीछे मेरे देख सकते हैं, अगर आप इंडियन में करेंसी अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इंडियन टू नेपाली करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है और बहुत ही आसानी से, क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ पर वगैरह पे भी बहुत सारे लोग लेकर के बैठे रहते हैं। और ये हमारा पैदल का रास्ता है और इधर से हम लोग निकल रहे हैं। अभी यहाँ से सवारी से अगर जाते हैं तो यहाँ पे नीचे से जा सकते हैं और ऊपर से भी जा सकते हैं। तो इस तरह का व्यू है ब्रिज का, यहाँ पे देख सकते हैं ये है व्यू जिधर से सवारी वगैरह निकलता है। तो देखिए अभी यहाँ पे अभी देख रहे हैं कैसे क्या करना है, सवारी कहाँ से मिलेगा, उसके बाद यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं और स्टेशन से हम लोग पैदल आए थे क्योंकि वीडियो शूट करना था। तो अभी क्रॉसिंग के बाहर आप जैसे निकलिएगा यहाँ पे ऑटो मिल जाएगा आपको, यहाँ से 20 रुपए जो है टिकट लगेगा आपका, 20 रुपए किराया देना होगा। उसके बाद यहाँ से सीधा घंटाघर बस स्टैंड के पास ला करके आपको उतार देंगे, उसके बाद आप वहाँ से जा करके बीरगंज को पूरा घूम सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो अभी हम ऑटो पर बैठ चुके हैं और ऑटो हमारा चलने के लिए तैयार है, तो अभी सीधा यहाँ से निकलते हैं। ये देख सकते हैं बाहर का व्यू है, तो इस तरह का है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का व्यू। तो इस तरह की गाड़ियाँ चलती है और भीड़ भाड़ आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इतना भीड़ होता है कि पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। तो देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे कैमरे में ट्रैक्टर और छोटी छोटी बसें जो होती हैं वो और बाइक और साइकिल का इतना क्रश होता है कि समझ लीजिए कि आप परेशान हो जाएंगे यहाँ पे आने के बाद। तो इसी तरह का व्यू है यहाँ पे और बीच में ये टांगा वगैरह भी आ जाता है, तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही होता है। तो देख सकते हैं आगे आपको और दिखाते हैं कि किस तरह से जाना होता है, तो बीरगंज तक देखते रहिए आप। अच्छा यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए बीरगंज में? बीरगंज में घंटाघर है, रानी घाट है, घंटाघर और रानी घाट आदर्श नगर में बढ़िया है। अच्छा पार्क वगैरह है यहाँ पे है कुछ? रानी घाट बहुत बढ़िया है, पार्क है, हरियाणा कोकरा है, अच्छा बहुत पार्क है, आदर्श नगर क्लीन सिटी भी जाकर घूम सकते हैं, बढ़िया है। चलिए तो चलते हैं, भाई ने बताया कि बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, तो चलते हैं देखते हैं आगे कैसा है, इन्होंने जैसा बताया वैसा है या नहीं है, रियल में आपको दिखाएंगे। तो चलिए पीछे गए। हाँ तो दोस्तों अभी हम बीरगंज के घंटाघर चौक पे आ चुके हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये आपको घंटाघर दिखाई दे रहा है और यही वो भाई हैं जिनके ऑटो पे हम लोग अभी आए हैं इन्हीं के ऑटो से। भाई अपना मास्क निकाल लीजिए। हाय। हाँ तो यही भाई हैं, इन्होंने बहुत हेल्प किया, यहाँ के बारे में पूरा बताया, पूरी जानकारी दी। और यहाँ पर अभी हम जो है घंटाघर पे उतर चुके हैं और अभी यहाँ से हम लोग पैदल ही घूमेंगे, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। तो चलिए इधर से निकलते हैं घंटाघर चौक पे। हाँ तो दोस्तों ये है घंटाघर का चौक, देख सकते हैं बहुत ही ऊंचा घंटाघर है और बहुत ही सुंदर है। और इस सर्कल से जो है आप फिर से अगर आप घूम लेते हैं, अगर रिटर्न जाना चाहते हैं इंडिया, तो यहीं से आपको सवारी मिल जाएगा। तो इस तरह का व्यू है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरे सर्कल का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग आए थे और यहीं पे हम लोग ऑटो से उतरे थे और यहीं पे जो है फिर रिटर्न जाने के लिए जो है ऑटो मिल जाएगा। अभी इधर से चलते हैं मार्केट में, मार्केट पूरा घूमेंगे, देखते हैं यहाँ क्या देखने को मिलता है। हाँ तो दोस्तों हमने घंटाघर तो घूम लिया, देख लिया घंटाघर में क्या देखने वाली चीज़ें हैं, तो कुछ है नहीं, बस एक जैसे अपने इंडिया में होता है क्लॉक टावर वही घंटाघर है। तो यहाँ पर घंटाघर से ये रोड निकलता है मार्केट की तरफ जाता है। अब चलते हैं मार्केट में, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या है। मार्केट में आपको बता दूँ कि यहाँ पर कपड़े वगैरह ठीक ठाक मिल जाते हैं और अच्छे दामों पर मिल जाते हैं, तो अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं दोनों साइड में जो है दुकानें हैं और कपड़े और जूते चप्पल की बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक ठाक है, देखने में सही लगा। आप भी देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की दुकानें हैं दोनों साइड में। और मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ पर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कि सभी बाइकें यहाँ पर देख रहे हैं दुकान के सामने लगी हुई हैं। एक साइड का ये है और दूसरे साइड का मैं आपको दिखा दूँ, ये है दूसरे साइड का व्यू, तो उधर भी कपड़े की दुकानें कुछ ज़्यादा ही दिख रही हैं। तो इस तरह का है घंटाघर चौक का मार्केट, मेन मार्केट इसको बोलते हैं। और आगे चलते हैं देखते हैं कि और क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह का मार्केट है और ये दुकानें वगैरह इलेक्ट्रिक की दुकानें यहाँ पे हैं, ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक मार्केट है, इलेक्ट्रिक और किचन का जो है पूरा सामान जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे
देख सकते हैं। और दूसरे साइड का व्यू मैं आपको दिखा दूँ, किस तरह का व्यू है। दोस्तों चलते चलते थक गए हैं, पैरों में दर्द हो गया है, थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट के लिए सबसे बेस्ट जगह है चाय का होटल। तो हमारे सामने ये चाय का होटल एक दिखा, आप चलते हैं यहाँ पे चाय पीते हैं और थोड़ा बैठ करके रेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और ये रहा चाय का होटल, तो चाय देखते हैं कैसा मिलता है यहाँ पे, चाय पी करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए चाय लेते हैं पहले, चलिए चाय का टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो ठीक है चाय का, क्या अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चाय है। हाँ तो दोस्तों हमने चाय तो पी लिया, चाय बहुत मस्त था, बहुत ही अच्छा चाय था। और चाय पी करके जो है घर की याद आ गई, बहुत ही टेस्टी चाय था। तो आपको बता दें 30 रुपये नेपाली और इंडियन आपको 25 रुपये का दो चाय पड़ा, यानी कि 12 रुपये। चाय ठीक ठाक था, अच्छा था। और यहीं से नज़दीक में है कोई गैधरवा पोखरा बोलते हैं, तो हम नहीं जाएंगे अंदर, बाहर से ही हमने देख लिया, कुछ है नहीं, बस एक तालाब है और चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ देखने वाली चीज़ें हैं नहीं, तो हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं फिर मार्केट की तरफ, देखते हैं अगर कुछ परचेज करने वाला हो तो परचेज करेंगे, नहीं तो सीधा आगे की तरफ निकलेंगे, देखें आगे क्या मिलता है देखने को। हाँ तो दोस्तों हमने घंटाघर को जो है देख लिया बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे ये देख सकते हैं चप्पल वगैरह की बहुत सारी दुकानें हैं, और बताते हैं कि लोग चप्पल वगैरह बहुत ही सस्ता मिल जाता है, मुझे तो मालूम नहीं है क्योंकि मैं अंदर गया नहीं हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड से, और अभी हम यहाँ से चलते हैं सीधा स्टैंड की तरफ और वहाँ से अब ऑटो लेंगे, और वहाँ से ऑटो लेकर के जो है बाहर निकलने की कोशिश करेंगे रक्सौल रेलवे स्टेशन। फिर उसके बाद वहाँ से कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो आपको आगे बताते रहेंगे। हाँ तो दोस्तों आज हमने पूरा दिन जो है बीरगंज को कवर किया और आपको दिखाया, तो पूरा दिन जो है पहला दिन था तो आज कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, तो दिन में हमने आराम किया। और अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ रहे हैं, करीब 6:10 हो रहे हैं, और यहाँ से स्पेशल डेमू ट्रेन जो है यहाँ से जयनगर के लिए जाती है, सॉरी दरभंगा के लिए जाती है, वो दरभंगा के लिए हम लोग ट्रेन अभी पकड़े हैं स्पेशल डेमू। अभी ये जाएंगे 10:20 पर ये हम उतरेंगे दरभंगा, और दरभंगा से फिर जो है 12 बजे ट्रेन पकड़ेंगे जो रात को 2 बजे जयनगर पहुंचाएगी। तो जयनगर पहुंच करके वहां से आपको नेपाल का सफ़र कल कराएंगे, नेपाल इंडिया नेपाल जो ट्रेन चलती है उससे ट्रेन का जो है सफ़र कल कराने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।